share my video and subscribe to my channel. Bye bye. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. अभी हम पार्क में थे तो अचानक से हमारा बाहर जाने का प्लान बन गया, तो अभी हम जस्ट घर जा रहे हैं और हम घर पहुँचेंगे, रेडी होंगे और हम बाहर निकलेंगे. तो मैं रेडी होकर आपसे मिलती हूँ. हाय गाइश, कैसे शाबे. हाय गाइश, सो गाइस वी आर गुड टू गो. मैंने पहने वाइट शर्ट और बीच पैंट्स और वाइट स्नीकर्स और शाबे ने पहना है ये डैश. वाओ शाबे, वाओ कैसे. ओके बाय, सी यू. बाय कर दो. हम जा रहे हैं चनक्यपुरी सीसीडी. इसकी लोकेशन और इसका एम्बियंस दोनों ही बहुत अच्छा है. मेन सिटिंग एरिया इनका बाहर है, तो ओपन में आप आराम से बैठकर कॉफ़ी पी सकते हैं और अच्छा वेदर हो तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है. मैंने ऑर्डर किया सब और कोल्ड कॉफ़ी. क्राउड भी यहाँ पे काफ़ी डिसेंट था. शाहिद, गिव इट प्लीज. शाहिद दे दो, शाहिद दे दो ना प्लीज प्लीज. बेबीज को हम कैफीन पिला नहीं सकते, इसलिए हमने इसको जूस ले दिया. काफ़ी टाइम तक वहाँ बैठे और वेदर भी बहुत अच्छा था इसलिए, और काफ़ी पिक्स क्लिक करी. ये ताज के ऑपोजिट है. और फिर हम आ गए घर. चलो पीपी चले. अभी मैं ये हीटलेस हेयर कर्लर ट्राई करने वाली हूँ. ये मैंने अमेजोन से खरीदा था 600 रुपीस का. सो लेट्स ट्राई इट. ये लगाना बहुत ही सिंपल है. इसके लिए आपके हेयर हल्के हल्के वेट होने चाहिए. सो ये हो गया है. अब मैं इसका ड्राई होने का वेट करूँगी और फिर मैं आपको रिजल्ट्स बताऊँगी. It's time to open it. Oh my God, look at it. कितने proper curls हुए हैं और believe ही नहीं हो रहा है ये heatless हैं और ऐसा भी damage भी नहीं लग रहा है. Shine भी maintained है. I think you should totally give it a try. मैंने इस बार सिर्फ low range पे करा था because I just wanted to see कि ये इफ़ेक्टिव है या रिजल्ट्स देता है या नहीं. नेक्स्ट टाइम मैं ऊपर से करूँगी, बट आई थिंक इट्स वर्थ बाइंग एंड यू शुड ट्राई इट. ये आकाश है. जब भी हम ग्राउंड जाते हैं तो वहाँ पे शार्वी के साथ बहुत खेलते हैं, तो आज ये शार्वी के साथ घर पे खेलने के लिए आया है. वेरी गुड. अब शाबी को नहलाएंगे और उसे सुला देंगे. शाबी 1 ईयर 8 मंथ्स का हो गया और आज तक मैंने उसके फेस पे कभी भी सोप या फेस वॉश यूज़ नहीं करा. उसका फेस हमेशा मैं दूध से साफ करती हूँ. इसकी बॉडी भी ऑल्टरनेट डेज में दूध से ही साफ करती हूँ. ये हॉस्खास विलेज की पार्किंग एरिया. आपको रेस्टोरेंट तक गाड़ी लेना अलाउड नहीं है, तो ये कॉमन पार्किंग है. हर एक रेस्टोरेंट की गाड़ी पार्क कीजिए और वॉक कर आपको जिस भी रेस्टोरेंट में जाना है वो जाइए. ये मेरा दिल्ली का फेवरेट पार्ट है. आई लव हॉस्खास.
यहाँ पे रेस्टोरेंट व्यू और क्राउड सब बहुत अच्छा होता है। हम आए हैं मियाँ बेला, ये एक रूफटॉप लेक व्यू रेस्टोरेंट है और यहाँ पे आप जैसे एंटर करते हैं बहुत ही कलरफुल सा एरिया होता है और आपको स्टेयर चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा और उसमें ओपन स्पेस में भी आप बैठ सकते हैं बट इंडोर सेटिंग भी है, बट हमने प्रेफर करा था बाहर बैठने के लिए। एंटर करते ही लाइव म्यूज़िक था और लाइव म्यूज़िक अमेजिंग था। जितना अमेजिंग लाइव म्यूज़िक था उससे ज़्यादा अमेजिंग यहाँ का व्यू था। हम काफ़ी टाइम तक वहाँ बैठे, हमने खाना और म्यूज़िक दोनों एंजॉय किया। हम गगन के फ्रेंड्स के साथ आए थे, बच्चों के लिए यहाँ पे हाई चेयर अवेलेबल थी। इसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता है हाई चेयर होना बहुत ज़रूरी होता है, पेरेंट्स बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और आई थिंक बच्चे भी कंफर्टेबल रहते हैं। क्राउड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा था और डिसेंट था। यहाँ पे हमने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए और हम लोग चले गए सोशल खाना खाने के लिए। हम ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के बाद ऐसी लाउड म्यूज़िक वाली जगह जा रहे हैं। एंट्रेंस इसकी बहुत ही कलरफुल थी, फुल ऑफ लाइट्स। हमने यहाँ पे काफ़ी पिक्स क्लिक करवाई। 2 ईयर्स इसलिए बिकॉज पहले मैं आई वॉज प्रेगनेंट एंड देन शार्वी बहुत छोटा था और बच्चों को लाउड म्यूज़िक अलाउड नहीं होता। मुझे डांस करना बहुत पसंद है इसलिए आई लव सच प्लेसेस। ये आ गया इसका एंट्रेंस मेन और अंदर जाते ही काफ़ी ओपन स्पेस और काफ़ी ज़्यादा खुला एरिया था। वी वरंट श्योर कि शार्विल अलाउड होगा या नहीं होगा, हमने सोचा कि नहीं होगा तो हम कहीं और चले जाएंगे, बट शार्विल वॉज अलाउड एंड वी वर हैप्पी अबाउट इट। तो आप एरिया देख सकते हैं कितना खुला और यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग होने के बावजूद ये क्राउडेड नहीं लग रहा था। हम लोग फिर से छत पे ही गए बिकॉज़ हमें ओपन स्पेस में बैठना था और यहाँ से लेक व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। आप देख सकते हैं हल्का हल्का आपको लेक दिख रही होगी। काफ़ी टाइम तक हमने यहाँ बैठ कर व्यू और म्यूज़िक इन्जॉय करा और आप देख सकते हैं वहाँ पर मैच भी था, जिसको मैच में इंटरेस्ट है वो मैच भी इन्जॉय कर सकता था। और फिर हमने खाना ऑर्डर करा। हमने वेजिटेरियन ऑर्डर करा बिकॉज हम जिनके साथ आए थे वेजिटेरियन थे, बट खाना बहुत अमेजिंग था, बहुत ही टेस्टी। इसके ऊपर भी एक एरिया था बैठने के लिए बट हम वहाँ गए नहीं। पेट पूजा के बाद हम गए डांस फ्लोर पे और हमने बहुत सारा डांस किया और बहुत इन्जॉय किया। ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के बाद हम यहाँ ऐसी जगह पे थे और हमें बहुत मज़ा आया। सो गाइस आई एम साइनिंग ऑफ, अभी हम घर जा रहे हैं। द डे वॉज फन, हमने बहुत डांस किया, बहुत मज़ा आया। एंड अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।